तो अब हम खाएंगे अभी बर्फ। तो भाई बर्फ खाने का मजा ही कुछ और है। तो टाइम पास में ये है कि हमने सोचा है कि सब लोग गाना सुनाएंगे। यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, कल रात हम यहाँ पर सोए थे, एक और नई सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे ये तो बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दी उठ गई थी। और बाहर देखूं तो भाई यहाँ पर देखो सुबह सुबह ये खूबसूरत से नज़ारे, पहाड़ के इन खूबसूरत सी वादियों में, एंड एक और नई सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से स्नोफॉल हो रही है। तो फर्स्टली यहाँ पर देखो आप सीढ़ी में भाई बर्फ बर्फ, ओ माय गॉड, ये देखो गाइस एकदम। अभी मैं छत में चला गया हूँ और यहाँ पर तो पैर इतना नीचे चले जा रहा है। तो फाइनली गाइस ये आप देखिए जहाँ पर हम कल शाम पहुँचे हुए थे, ये हैं सुबह के नज़ारे। एंड अभी भी स्नोफॉल हो रही है आसमान से हल्की हल्की, और नीचे आप देखो क्या खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक और नए दिन की शुरुआत के साथ। अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में हो गई है एक और नई सुबह, वो खूबसूरत सी सुबह जिसमें हो रही है स्नोफॉल। फाइनली गाइस पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं आपको स्नोफॉल नहीं दिखा पाया था क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। आज इन द मॉर्निंग से ही स्नोफॉल हो रही है, पता चला है कि आज पूरे दिन भर स्नोफॉल ही होने वाली है। और मेरे आप जो पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये खूबसूरत से नज़ारे सुबह के, बिल्कुल भाई आसमान से देखो कुछ इस तरह से स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। और ये है छत जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये देखो। अब मुझे ठंड भी होने लगी है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, ये देखो ये कम से कम 2 फीट से ज़्यादा पड़ी हुई है। आया हूँ नीचे और फाइनली यहाँ पर देखोगे टैंकी में भी कुछ इस तरह से अंदर बर्फ बर्फ देखने को मिलेगी। और जीजाजी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बस ठीक है, मैं तो घूम करके आ गया बर्फ में एक चक्कर। और घूमो अभी अगेठी में पानी गर्म कर रहे हैं जीजाजी, और सुबह से बिल्कुल इस तरह से पैक हो रखे हैं भाई, क्योंकि ना यहाँ पर जो नज़ारे हैं बाहर के, इन नज़ारों को देख करके तो भाई ठंड का आभास आपको भी हो ही रहा होगा, लेकिन देखने में तो जो मज़ा आता है ना तो क्या ही बोलें दोस्तों। और उसके साथ ही लेकिन भाई यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये देखो इस रस्सी में भी बर्फ, ये बहुत ज़्यादा आज मज़े आने वाले हैं। और यहाँ पर देखो इस तरह से ये साइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रास्ता है, मैं करूँ हेल्प? ना ना ना, ये देखो काफी ज्यादा कठिन है भाई, कठिन है कठिन है। और नीचे वाले पेड़ देखो भाई बिल्कुल वाइट हो रखे हैं। तो अब मैं अंदर आ गया हूँ फाइनली, तो बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है। तो गाइस ये देखिए एक पिल्ला, क्या नाम है इसका, ले 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 ले, छोटा सा डॉगी का पिल्ला, और इसका नाम नहीं रखा है अभी, इसका नामकरण कब करोगे आप, नामकरण नहीं करोगे इसका है? क्या है, सिंपू, हेलो सिंपू। अभी छोटा सा ठंड हो रही है, इसको संभाल दो, अभी अभी रख दो रख दो यहाँ पर। और भी हैं? अरे यहाँ तो बड़ा वाला है भाई, अभी तो काट देता है ये। तो गाइस यहाँ पे एक ये रख दो ढक। तो गाइस इन खूबसूरत से नजारों में एक बार फिर से हम आ गए हैं यहाँ बाहर। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। और नीचे को दिखाऊं तो व्यू देखो भाई आउटस्टैंडिंग के साथ। एंड और अभी जस्ट ही बाहर आए हैं, और ये देखो यहाँ पे हो गया हो गया, चलो चल रहे। और देखो घास तो गाइस ये देखिए आप नया लुक लेते हुए चलते हैं हम अभी अंदर को, ठीक है, काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं भाई यार। ये देखो और ये खूबसूरत से नजारे देखो भाई पीछे, ये
लो भाई पहुंच चुके हैं हम अभी, ठीक है। और इसके साथ ही ये देखिएगा तो दीदी ने बना रखा है यहाँ पे इतना बड़ा सा, क्या है ये पता नहीं, केक जैसा। आ जाओ यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। तो गाइस बाहर से अंदर आ गया हूँ यार, मन कर रहा है भाई रजाई के अंदर घुस जाया जाए भानिस लोगों के साथ। एक कैंची कहाँ चला रहे हो? हेलो, ये क्या बाल काट रहे हो क्या? ये तो हाय 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 गाइस। तो गाइस सोचा है हमने हल्का सा थोड़ी देर यानी खाना खाने तक हल्का सा टाइम पास किया जाए। तो टाइम पास में ये है कि हमने सोचा है कि सब लोग गाना सुनाएंगे। पहले आप सुनाओगे। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाना ये है पहाड़ों का ऊंचा नीचा डाना, पहाड़ों का ऊंचा नीचा डाना, मठ मठू इटली मेरी बाना पंजाब ना। एक दूसरा गाना और सुना दो यार बढ़िया वाला। नस में जी चूर है गयो। बहुत बढ़िया। अब भानिज की बारी, चलो सुनो 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 एक सुनाओ ना। अरे मैं को छोटे वाले भैया ने सुनाया, आपने सुना रहो। चलो बहन जी सुनाएंगे। सोहे करके लवी है मेरे मामा जी, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी, परचों में ओड़ी आउट हो जाएंगे, एंट्री मारो मामा तो घायल हो जाए, चांद वाला मुकड़ा लेके चलो ना बाजार में। वाओ अब एक बहन जी और है। ये तो बहुत ज्यादा शर्मा रही है। हेलो हाँ जी ये खराबी। चलो फिर एक और गाओ। अंग्रेजी में अंग्रेजी की मोदी निकलाऊं छटा छटा बाटा मेरा छट छटा गाँव मेरा छट छटा गाँव। काफी देर से हम लोग कुछ इसी तरह से यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ना बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है तो बाहर हम जा नहीं सकते हैं। तो अभी इस तरह से रजाई के अंदर घुस करके कुछ इस तरह से टाइम पास कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मामा जी दूध। ये देखो गाइस दूध आ गया बिस्तर में ही, और हम लोग अभी भी बिस्तर में ही पड़े हैं। तो मेरा गिलास कौन सा है, ये ले लो, ये है ले लो सब लोग। इसको लो। नहीं हो गया, चलो फिर मुझे बड़ा वाला मिल रहा है। आराम से लेना है, गिरे ना बिस्तर में। दीदी जी लो। सबको मिल रहा है दूध बिस्तर में, क्योंकि बाहर तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है। तो अब पियेंगे हम दूध। क्या खाओगे? गुड़। हाँ, दीदी गुड़ दे रही। गुड़ गुड़ ले लो, लो भाई गुड़। तो गाइस अभी बाहर आकर के देखा, स्नो लगातार हो रही है और पहला दिन है और स्नो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लग रहा है कि मुझे एक दिन और स्नो होगी बराबर। तो ऐसे में तो यार क्या करें, रजाई के अंदर घुसने में फ़ायदा लग रहा है। तो फाइनली अभी जो है ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तो चलते हैं फिर से भाई रजाई के अंदर और खूबसूरत से नज़ारे दिखाऊँ। और उन नज़ारों में भानिस बाहर खड़े हैं। आपको ठंड नहीं हो रही बाहर? नहीं नहीं हो रही? कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इस खूबसूरत सी स्नो में। अभी स्नो हमने खाने का प्लान बनाया है, तो उसके लिए भाई थोड़ा साफ साफ स्नो खाएंगे। तो यहाँ पर हमने थाली रख दी है, अभी थोड़ी देर में थाली भर जाएगी, फिर हम थाली उठाएंगे और कैसे खाते हैं वो दिखाएंगे हम आपको। आ जाओ भानी जी, इधर आ जाओ। अरे वो नीचे रखो। अरे अंदर यार मैं तो भूल ही गया था, मैंने स्नो में थाली भी रखी हुई थी यहाँ पर। एक्चुअली गाइस ना थाली का कुछ पता ही नहीं है, शायद यहीं पर होगी, यहाँ पर है। तो थाली हमें मिल चुकी है, तो अब हम खाएंगे अभी बर्फ। तो भाई बर्फ खाने का मज़ा ही कुछ और है। चलो यहीं पर चले जाते हैं और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बर्फ तो यहाँ पर रख दी है और साथ में गुड़। तो भाई गुड़ के साथ बर्फ खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखो अभी भानिज खा रहे हैं यहाँ पे, उठाओ उठाओ ये देखो। अब कैसे खाते हैं एक बार खा करके दिखाओ, खाओ। ये बात मैंने उठा दिया है। तो गाइस उमेश भाई ट्राई कर रहे हैं अभी, पहले मैं इसको गोल गोल बना लेता हूँ। हाँ ये देखो गाइस, गुड़ के साथ ले लो। ये बना दिया मैंने, कतई ठंडा हो रहा है। यहाँ से मैंने गुड़ उठा देना है।
ये वाला उठा लेते हैं। मजा आ रहा है। रुको रुको और खा। तो गाइस सब लोगों ने थाली से उठा लिया कुछ इस तरह से, सबके फिंगर के निशान यहाँ पर। तो भाई अब बारी है मेरी और साथ में गुड़ भी खाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत उठा ही लेता हूँ यार, ये क्या ही बोले दोस्तों। और इसके साथ गुड़ जब मुंह पर डाला ना अजीब जैसा लग रहा था, जब खा रहा हूं ना आहा मजा आ रहा सच में भाई सच में। बाहर तो जा नहीं सकते कुछ इस तरह से, अंदर ही अंदर ऐसे ही मजे लिए जाएंगे इसमें के फुल एंजॉय। ये देखो मेरे पीछे ये भी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, और देखो सभी लोग खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है? नहीं तो अच्छा लग रहा है। ये देखो सभी लोग खा रहे हैं। लाजवाब भाई, मजा आ गया मजा। तो अभी यहाँ पे बन रहा लंच, लंच करते हैं और उसके बाद सीधे बिस्तर के अंदर मिलते हैं। अभी हम खाना खाने के बाद अंदर आ गए हैं, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। क्या हुआ है? Who is this? क्या हुआ? ये क्यों रो रहे हैं? अरे बर्फ बर्फ, इतनी बर्फ है। ये देखो बर्फ फंसा करके लाए हैं इसमें, नहीं ज्यादा नहीं है ये लो। ओए मत करो बाबू, नहीं करते इतना गुस्सा, नहीं करते नहीं करते नहीं करते ज्यादा नहीं। ये क्यों, किसके लिए? लो भानी जी ये तो है, इसको लगाओ ना। क्यों, सही तो है ये। ये कपड़े ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भीग गए थे, अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं। हम अभी इस वाले रूम में आ गए भानिज के साथ। तो दोस्तों अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बाहर आप लोगों ने देखा स्नोफॉल हो ही रही है बराबर। भाई हमने सोचा है क्यों ना, अब लंच भी हो ही गया और अब जो है आराम किया जाए बिस्तर में। तो बेड में आ गए हैं, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और देखते हैं। और बाहर का नज़ारा दिखाऊँ ना, अभी देखो लगभग जो है शाम के बज चुके हैं गाइज ना, 4:30 के आसपास हो रहा है, 3-4 के लगभग हो रहा है, एग्जैक्ट समय है पता नहीं है। और फाइनली यार आपके पास ब्लॉग क्या पता थोड़ा बहुत लेट आ रहा हो, उसका रीज़न यही है जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वहां पर लाइट नहीं है। अब पता नहीं कब कैसे आएगी लाइट, क्या होगा वो आगे को पता नहीं। थोड़ी देर हम करने वाले हैं यहाँ पर रेस्ट और भांजी भी आ गई है। तो भाई करते हैं रेस्ट। तो गाइज नींद खुल चुकी है और बाहर देखोगे यार अभी भी स्नो हो ही रही है, लगभग अभी शाम हो चली है पूरी तरह से। भाई बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और आसमान से स्नो लगातार गिरती जा रही है। तो गाइज शाम का दूध भी आ चुका है और दूध के साथ साथ कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है भाई पहाड़ों का, क्योंकि ना आज स्नो रुकने वाली नहीं है, हो सकता है कल भी स्नो देखने को मिले। फाइनली दूध पी लिया जाए अभी। देखो जिन लोगों का सौर ऊर्जा है भाई वहाँ लाइट आ गई है और इधर को लाइट नहीं है, क्योंकि भाई ना कि लाइट आई नहीं है अभी, तो अभी कोई संभावना है भी नहीं कि लाइट आ जाए। और आसमान में अभी भी बादल लगे हुए हैं, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अभी मैं अंदर आ गया हूँ सोने के लिए बेड वाले रूम पर। अभी फाइनली उमेश भाई जो है अगेठी के पास में है, अपनी ठंड को भगाए जा रहे हैं लेकिन ठंड भागने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि भाई स्नो जो है बराबर हो रही है। आपको हो सकता है नेक्स्ट वाले व्लॉग में भी स्नो देखने को मिले। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आ गया, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर देना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आने वाले दिन में आपको और स्नो शायद देखने को मिलेगी। आई होप गाइस यह सब कुछ पसंद आया होगा। चलिए फिर इस वाले वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। तब तक अपना एंड अपनी फैमिली का रखना ध्यान, टेक केयर एंड बाय बाय।